हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट YKS। आज की वीडियो के लिए हमारे पास टेस्को ब्रांड का पक स्काई शॉट है। यह मीडियम साइज़ 3.5 इंचेस का स्काई शॉट है जो सिंगल पीस के डिब्बे में आता है। मैंने इस स्काई शॉट को टेस्ट किया था जिसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा था, रेड कलर में कुछ इस टाइप का। तो चलिए अब स्काई शॉट को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर का शेल किस टाइप का है। ऊपर की कवरिंग को निकालने के बाद इसके अंदर भी एक कार्डबोर्ड का कवर नज़र आ रहा है। चलिए अब इसको भी निकालते हैं। तो ये था इसके अंदर का कार्डबोर्ड का कवर। अब इसके अंदर देखने में तो कोई शेल जैसी चीज़ ही नज़र आ रही है। चलिए अब इस शेल को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये है टेस्को ब्रांड के 3 इंचेस का शेल। देखने में तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस शेल के अलावा उस स्काई शॉट के पाइप के अंदर और क्या है। तो इस पाइप के अंदर कार्डबोर्ड का एक कवर और उसके नीचे ग्रैनुलेटेड ब्लैक पाउडर है। चलिए देखते हैं कि इस बॉल शेल का वेट कितना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 175 ग्राम्स। चलिए देखते हैं कि इस 175 ग्राम के शेल को ऊपर भेजने के लिए कितना ग्रैनुलेटेड ब्लैक पाउडर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। अराउंड 58 ग्राम्स। ग्रैनुलेटेड ब्लैक पाउडर को निकालने के बाद इसके अंदर बस खाली एक एंड प्लग है जिसमें फ्यूज़ लगा हुआ है। चलिए अब इस बॉल शेल को भी काट के देखते हैं कि इसके अंदर के स्टार्स किस टाइप के हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भी प्लास्टिक का बॉल शेल है। चलिए अब इस बॉल शेल के कवर को भी हटा के देखते हैं कि अंदर के स्टार्स किस शेप के हैं। तो ये है इसके अंदर के मिनी स्टार्स। चलिए अब इस स्टार्स को भी बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। पूरे स्टार्स को निकालने के बाद आपको इसके अंदर का टाइम फ्यूज नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर स्टार्स एंड फ्लैश पाउडर का मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है।
चलिए अब इस फ्लैश पाउडर एंड स्टार्स के क्वांटिटी को मेजर करके देखते हैं। 155 ग्राम्स। तो ये था टेस्को ब्रांड के 3.5 इंचेस स्काई शॉट के अंदर का शेल, जो कि एक अच्छा रेड कलर का इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। देखने में इस स्टार्स की क्वालिटी जैसी आपको दिख रही होगी काफ़ी अच्छी है। चलिए अब इस स्टार्स को ग्राउंड पे भी कुछ चला के देखते हैं कि इसका एक्चुअल कलर कैसा लगता है देखने में।